अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अलअज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इस वक्त हम जो जलसा सालाना जर्मनी 2023 उस से तकरीबन 3-4 मिनट के फासले पे मौजूद हैं और अभी हम जलसा गाह के लिए ये ट्राम जो है लेंगे और ट्राम के ज़रिए वहाँ जलसा गाह पहुँचेंगे। ये गालबन दूसरी साइड को जा रही है जलसा गाह से अपोजिट, इसमें कोई अहमदी आपको नज़र नहीं आ रहा, सब गोरे हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्राम इस साइड से आएगी जो जलसा गाह की तरफ जाएगी, इसके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे हम पाकिस्तान रबवा स्टेशन पे खड़े हैं या लारी अड्डे पे खड़े हैं, बसें आ रही हैं और जैसे कि मेहमान उतर रहे हैं चढ़, वो देखें सामने आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लाइनें लगी हुई हैं, ये जलसा गाह की तरफ जा रही हैं। क्योंकि आज आखिरी दिन है संडे का और लोग जो हैं गाड़ियों पर जो आ रहे हैं उनको वेट करके जाना पड़ेगा। ये सारा खुला एरिया है, खेत आपको नज़र आ रहे हैं, इससे आवाज़ें भी आ रही हैं, वो सामने वो आप हाल देख रहे हैं बड़े बड़े। बेसिकली यहाँ बंदा पैदल भी जा सकता है, लेकिन जब ये सहूलत मौजूद हो तो फिर इंसान कहता है चले ट्राम पे ही बैठ जाते हैं। यहाँ सारे होटल्स काफ़ी काफ़ी तादाद में अहमदी यहाँ ठहरे थे। इस जगह का जो नाम है ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन स्टाफ का नाम जो है स्टेडियम स्ट्रासे है, स्टेडियम। और अभी जितनी देर में ट्राम आएगी उतनी देर वेट करते हैं। आपने देखा दो दिन के जो मनाजर थे, बहुत ही रूह परवर मनाजर थे, रूहानी मनाजर, तकारीर कमाल की। और फिर उसके बाद किस मुनज़्ज़म तरीके से सब्र से लोगों ने वो सीढ़ियों के ज़रिए, लिफ्ट के ज़रिए खाने वाली एरिया में गए, फिर वहाँ बाज़ार में मुख्तलिफ़ चीज़ों की खाने पीने वाली मौजूद थी जहाँ लोगों ने खूब इंजॉय किया। और बहुत मैंने देखा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई ऐसा मुझे मुल्क नज़र नहीं आया नाम जिसके वो लोग ना पहुँचे हों। जलसा जर्मनी पहली दफ़ा इतने बड़े मुकाम पे हो रहा था और ख्याल था कि शायद ये हाल फुल ना हो, लेकिन जुमे वाले दिन ही अल्लाह के फजल से सारे जो हाल फुल और रश बेशुमार खलकत। और आज आखिरी दिन मुझे लगता है कि ये भी जगह छोटी पड़ गई है, ये अल्लाह ताला के फजल सारे। अभी हम इधर वेट कर रहे हैं ट्राम का, थोड़ी देर में आएगी फिर आगे इंशाल्लाह आपको आगे जो है वहाँ के जो जलसा गाह के जो मनाजर हैं वो आपको दिखाएंगे। ये आप अंदाज़ा लगा लें अंदर किस तरह लोग ही लोग अंदर, फिर अब जगह ढूंढी भी मेरा ख्याल पड़ा बहुत मसला। ये देखें ये मंजर है जलसा गाह पे जहाँ से लोग पहुँच रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें ये जो रास्ता, ये ऊबान की तरफ जा रही हैं जो ख़वातीन, वहाँ से वो अपना जो जलसा गाह है ख़वातीन का उधर चली जाएंगी। और इस साइड पे जो मर्दों का सारा सिस्टम है, ये साइड से सारी पार्किंग है उस साइड। अभी हम जाएंगे मर्दों वाली साइड पे। जी इस वक्त हम ऊबान जो मैसे के ऊपर है आखिरी स्टेशन जहाँ हम सब पहुँचते हैं ऊबान के लिए, वहाँ थे तो मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई है, इनकी वो इनका चौधरी इसहाक मंसूर साहब, इनके बेटे भी साथ हैं। तो मुझे ये अब इन्होंने बताया है कि ये TI कॉलेज लाहौर में पढ़े हुए हैं और इनके साथ बड़ी मशहूर हस्तियाँ जो हैं वो भी पढ़ी, मियाँ खुर्शीद अहमद साहब और हमीद नसरुल्ला साहब जो हैं वो भी इनके साथ, मीर जमात लाहौर, और फिर खलीफतुल मसीह सालत मिर्ज़ा नासर अहमद साहब प्रिंसिपल भी रहे हैं इनके जब ये काल में। तो आप अपना थोड़ा तारफ़ करवा दें ना कि कहाँ आपके पीछे बैक। जी मैं का नाम है जी, तो मैं हूर कालों का रहने वाला हूँ, शेखुपुरा मेहमारा सांगला के करीब गांव है। अच्छा, तो वहाँ 48 में मैंने मैट्रिक किया। अच्छा, तो लाहौर आ गया TI कॉलेज में। अच्छा अच्छा, 1952 में मैं वहाँ से PA करके पास करके तो फारग हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर मैंने मुलाजमत शुरू कर दी लोकल फंड ऑर्डर डिपार्टमेंट में। अच्छा, 1953 में वहाँ से उसकी। अच्छा, और 1992 में वहाँ से रिटायर हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो आपके कितना साल जो हैं आप
कॉलेज के अंदर जो आपको यादें हैं और कौन कौन आपके साथ उस वक्त पढ़ते रहे? 48 से 52 तक मैं कॉलेज में रहा। अच्छा, तो वहाँ प्रिंसिपल सर उस वक्त हमारे प्रिंसिपल होते थे। अच्छा 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 अच्छा, तो फैजी साहब, हाँ, और शाह साहब, अच्छा, और चौधरी मोहम्मद साहब, अच्छा, बिशारत रहमान साहब, अच्छा, ये हमारे साथी थे। अच्छा, चौधरी मोहम्मद साहब तो हमारे सुपरिटेंडेंट थे। अच्छा, तो ये नहीं, ये देखें, आपको ये तस्वीर भी दिखा देते हैं, अगर ज़रा आप गौर से देखें इस तस्वीर को तो शायद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन कौन से जो बुज़ुर्ग हैं वो इनके साथ उस ग्रुप में अंदर रहे हैं। तो ये नाम जो है ये कुछ इसमें से आ गए हैं और कुछ जो है नाम वो बाद में इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आपने वहाँ से रवा बाद में शिफ्ट हुआ है, मैं तो लाहौर से पार हो गया था। अच्छा अच्छा, बाकी जमाती कोई खिदमत भी आप करते रहे होंगे? जमात में तो कोई खास खिदमत खास नहीं, बस यही हल्के में। अच्छा, कोई कोदा उदा मिल जाता था। कौन सी जगह आपकी ज़्यादा जिंदगी कहाँ गुजरी है? लाहौर में। लाहौर शहर में रहे हैं? शहर। अच्छा, और जर्मनी कब आए? जर्मनी तो मुझे 2 साल हुए हैं। 2 साल आपके बच्चे यहाँ जर्मनी में? ये बेटा एक जर्मनी में है। अच्छा, दूसरा बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, एक बेटी मेरी स्विट्जरलैंड में है और एक बेटी मेरी हॉलैंड में है। स्विट्जरलैंड वाले जो हैं वो क्या नाम है उनके हस्बैंड का? आसफ। अच्छा, आसफ साहब जो हैं, ठीक ठीक। अच्छा, तो आप यहाँ जलसे जो जर्मनी के कितने अटेंड कर चुके हैं? अभी मेरा पहला जलसा, आपका पहला जलसा, और आपकी एज इस वक्त कितनी है? 91 ओवर 91। माशाल्लाह जी, मुझे लग रहा है कि शायद अगर गलता ना गलती ना तो आप मोस्ट सीनियर जो जलसा अटेंड करने वाले आज होंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी जी, फ्रांस से पहले मुबल्लिग भी सन इन्हां दे वड्डे भाई चौधरी तावला सन। चौधरी तावला सन फ्रांस से पहले मुबल्लिग सन, उत्थों फिर उन्हां दी ट्रांसफर होई सी गाना। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हां दा इंटरव्यू लिखो पुछ सकदे हो उन्हां दे वड्डे भाई दा भी। हां हां, वड्डे तुहाडे वड्डे भाई जिहड़े अपना मुबल्लिग रहे ने उन्हां दा कोई थोड़ा बहुता तुसीं? वड्डे वड्डे भाई सन। हां जी, चौधरी तावला पहले उनका नाम था अल्लाह दित्ता। अल्लाह दित्ता, अच्छा, तो खलीफा साडी रज़ी अल्लाह तआला ने उनका नाम बदल के तावला कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने साल उन्होंने फिर एज ए मुबल्लिग जो है वो फ्रांस? वो काफ़ी अर्सा रहे। अच्छा अच्छा, तो वो मुबल्लिग आए थे गाना से पाकिस्तान आए थे कुछ 6 साल के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर पाकिस्तान में रिबो में रहे, तो उनकी तैयारी हो गई हॉलैंड में। अच्छा, तो फिर वहाँ वो ना चल सके। अच्छा, मजबूरियाँ थी, फिर वो पागल हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला फिर भी अगले जलसों पे भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। बड़े प्यार करते थे, मुझसे खास अलग था उनका, क्योंकि चौधरी मोहम्मद अली साहब जब हम गए थे ना पीजी ओटीसी जी जी, पता ये जी ट्रेनिंग देते थे। अच्छा, हर साल वहाँ लाहौर से बाहर कैंप लगाया करते सारे कॉलेज लाहौर के। अच्छा, रात को वहाँ 2 हफ्ते हम रहते थे। मैं एक सेकंड, जरा ना फोन आ रहा है, मैं एक मिनट जरा।